5 दिसंबर 1994 की शाम डीएम गोपालगंज जी कृष्णैया की एम्बेसडर कार्ड BHQ 777 की स्टीयरिंग दीपक के हाथ से थी। गाड़ी 60 की रफ्तार में NH28 पर आगे बढ़ रही थी। मुजफ्फरपुर के खबरा गांव के पास अचानक 5000 की भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया। तब तक सुरक्षा कर्मियों की टीम भीड़ में फंस चुकी थी। दीपक ने बैक गियर लगाई और गाड़ी को तेजी से पीछे की तरफ भगाने लगा। दीपक बार बार साहब को रोक रहा था, लेकिन अचानक जी कृष्णैया गुस्सा हो गए और गाड़ी को रुकवा दिया। दीपक का पैर जैसे ही ब्रेक पर पड़ा, भीड़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। घटना के चश्मदीद दीपक को हमेशा मलाल रहा। साहब की बात नहीं मानी होती तो आज वो जिंदा होते। जानिए पूरी कहानी कि कैसे ISG कृष्णैया को गाड़ी से कॉलर पकड़ कर घसीटा गया और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर कौन है दीपक कुमार। दीपक कुमार गोपालगंज में DM की सरकारी गाड़ी के ड्राइवर हैं। जी कृष्णैया की हत्या के बाद वो अब तक लगभग 3 दर्जन IS अफसरों की गाड़ी चला चुके हैं। DM जी कृष्णैया की हत्या में अदालत में 25 गवाह पेश हुए, जिनमें से 11 पुलिस अधिकारी शामिल रहे। गवाहों में एक नाम दीपक कुमार का है, जो घटना का चश्मदीद है। दीपक का काम DM को बाहरी दौरों में लेकर आने जाने का था। DM हत्याकांड के बाद दीपक काफी परेशान रहने लगी। जब वो किसी DM को दौरे पर लेकर निकलते हैं तो उनके वापस सुरक्षित घर तक ले जाने की चिंता सताती रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपक जी कृष्णैया की हत्या के बाद 35 DM को बाहरी दौरा करा चुके हैं। दीपक कुमार ने बताया कि सामान्य दौरे की तरह 5 दिसंबर 1994 को भी DM जी कृष्णैया को लेकर वो गोपालगंज से निकला था। साहब के साथ गाड़ी में फोटोग्राफर PL टांगरी भी थे। जब DM की गाड़ी की तरफ 5000 की भीड़ बढ़ने लगी तो ड्राइवर दीपक कुमार ने कृष्णैया से कहा कि साहब बाहर मत जाओ, बाहर मत निकलो। कई बार चिल्लाने के बाद भी DM नहीं माने और अपना फर्ज निभाने के चक्कर में पड़े रहे। उग्र भीड़ को देख दीपक को लगा था कि साहब की जान को खतरा है। वो बैक गियर लगाई और तेजी से पीछे की तरफ भागने लगा, लेकिन जी कृष्णैया दीपक पर गुस्सा हो गए। चीख कर कहा, गाड़ी यहीं रोको। मैंने कहा ना कि गाड़ी रोको, बॉडीगार्ड की प्रतीक्षा करो। इतना कहते ही DM के बॉडीगार्ड TM हेम्ब्रम को बाहर घसीट लिया गया और इसके बाद भीड़ गाड़ी पर हमला करने के लिए बढ़ गई। दीपक ने बताया कि DM जी कृष्णैया को फर्ज निभाना महंगा पड़ गया। वो भीड़ से बातचीत करने और बॉडीगार्ड को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ पर तो खून सवार था। 5 दिसंबर 1994 की उस भयावह घटना को याद करते हुए दीपक ने बताया कि पलक झपकते ही भीड़ ने जी कृष्णैया के कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर खींच लिया और मुझे एहसास हो गया था कि लोग अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से एक DM की हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को बिहार सरकार ने जेल के नियमों में तबादला करके उनको रिहा कराया है। ये एक साफ तौर पर संदेश जा रहा है कि बिहार की नीतीश सरकार एक बार फिर से अपराधियों से सांठगांठ करके बिहार का चुनाव जीतना चाहती है। देखना ये होगा कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद से बिहार के राजनीतिक समीकरणों में क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है।